सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इतिहास बनने जा रहा है, इतिहास इन्वेस्टर्स का, इतिहास लक्ष्य का और इतिहास सरकार का। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कल से शुरुआत हो रही है। 10, 11, 12 तीन दिन ये समिट रहेगी और 10 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया था उससे 12 लाख और बढ़ते हुए फिलहाल इस इन्वेस्टर समिट में 22 लाख करोड़ के ऐतिहासिक लक्ष्य को छूने की बात सरकार द्वारा कर दी गई है और इसके हुए एमयू और रणनीति बता रही है कि जो सरकार ने लक्ष्य रखे थे उन लक्ष्यों को सरकार ने पा लिया है। पर उसके बावजूद विपक्ष लगातार इन्वेस्टर समिट पर प्रश्न उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो इन्वेस्टर समिट पहले भी हुई है उत्तर प्रदेश में, उसी की तरह ये इन्वेस्टर समिट भी पब्लिक के साथ एक केवल धोखा है। केवल कागजों पर यहाँ एमयू साइन होंगे, धरातल पर कुछ नहीं दिखेगा। केवल और केवल जनता को लुभाने के लिए इस इन्वेस्टर समिट को लाया जा रहा है। खैर, विपक्ष का काम है आरोप और प्रत्यारोप, तो यहाँ पर अलग कुछ नहीं होना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि 10 लाख करोड़ के लक्ष्य को लेकर चलती योगी सरकार ने 15 लाख, 17 लाख और 22 लाख की बात यहाँ पर कह दी है और कहा जा रहा है कि इसके एमयू भी साइन हो चुके हैं। यानी जद्दोजहद पूरी रणनीति के साथ, वो जद्दोजहद जो एक लोगो लॉन्च से शुरू हुई, वो जद्दोजहद जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी विदेश दौरों पे गए थे, वो जद्दोजहद जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं तमाम राज्यों के बड़े बड़े शहरों में गए, रोड शो किया, वहां के जो बड़े उद्योगपति उनके साथ मुलाकात की और इस महान और ऐतिहासिक क्षण की आधारशिला को रखने का काम किया। खैर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा हर मुद्दे पर या हर कार्ययोजना पर या हर काम पर स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं और तमाम नेतृत्व हमने उनके देखे हैं इसके पहले भी, और कोरोना के समय उनके नेतृत्व की तुलना तो ना जाने कहां का की गई थी और उनकी वैश्विक तारीफ पूरे विश्व प्रदर्श में की गई थी उनके कोरोना रोकने के मॉडल को लेकर, कोरोना नीति को लेकर। खैर, विपक्ष का अपना काम है और सरकार का अपना काम है। दूसरी बार सरकार बना के आए हैं, 37 साल पुराने मिठक को तोड़ा है और यहाँ पर दोबारा सरकार बना के बीजेपी ने एक बार स्पष्ट कर दिया है कि जनाधार पाने के लिए संघर्ष करते रहिए और काम करते रहिए तो जनाधार आपको मिलता रहेगा। खैर, यहाँ बात जनाधार की नहीं है, पर यहाँ पर बात है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसको कहा जा रहा है कि इतिहास रचने जा रही है। इस समिट पर एक बयान सुनिए, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो लोग इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करें तो सभी के बच्चे और इस प्रदेश के लोग रोजगार पाएं और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में हमें कामयाबी मिले। इसलिए हम लोग दृढ़ हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। कहते ना, जो कह रहे हैं, धारा 370 कहा, भले 70 साल लगे, ख़त्म करके दिखाया ना। आज के राम मंदिर बनाने की बात की, राम मंदिर बन रहा है। हमने रोजगार देने की बात की, काम हो रहा है। हमने कहा था कि एक को गुंडे माफिया नहीं रहेंगे, ख़त्म करके दिखाया। तो आज के दिन उत्तर प्रदेश की प्रदेश बदलने का कहा था, बदल गया। पहले विधानसभा में क्या था, कैसे लोग रहते थे, आप ही लोग चलाते थे ना, इस पार्टी में। लेकिन आज तो आप ही चलाते हैं कि भाई इतने डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने ग्रेजुएट, इतने पोस्ट ग्रेजुएट, इतने व्यापारी, इतने जो है वकील हैं, इतने ये कितने महिलाएं, कितने नौजवान, कितने जो है किसान, कितने हर जाति के, हर ये कैसा आपके दिन में। तो ये हम लोग जो आज के दिन में प्लेटफार्म दिए हैं उसकी देन है कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है उससे अधिक होगा, पूरा होगा। महत्वपूर्ण चर्चा, वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ के रूबरू करा दूँ। नेता भाजपा से केसी भाई अपना पक्ष रखेंगे, नेता सपा से विवेक पांडे अपना पक्ष रखेंगे, सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में अपना पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश मिश्रा भाई राष्ट्रीय लोकदल से अपना पक्ष रखेंगे और प्रवक्ता आपसे उनके फायरबैंड प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। केसी भाई, इन्वेस्टर समिट होने वाली है, इतिहास रचने जा रहा है उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की योगी सरकार का जो एक वादा है पूरा करने की दिशा में दूसरे कार्यकाल का पहला महत्वपूर्ण कदम, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिना उद्योगों के
और बिना उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट के जी ना तो विकास हो सकता है जी, और ना ही तो रोजगार मिल सकता है, और ना ही तो जिसकी हम कल्पना करते हैं एक विकसित भारत की, ना तो वो हो सकता है। ठीक। केवल भारत ही नहीं, कोई भी देश हो, जब तक समृद्धशाली उद्योगपति नहीं होंगे तब तक विकास की कल्पना किसी भी देश की नहीं की जा सकती जी। और आप देखिए कि जिन जिन देशों ने अपने आप को विकसित देशों की कगार पे लाके खड़ा किया है, वहां पे क्या है कि डेवलपमेंट को लेकर के वहां पे जो इन्वेस्टमेंट हुआ और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला करके खड़ा किया, और साथ ही साथ वो चाहे प्रति व्यक्ति आय हो वहां की, वहां का इन्वेस्टमेंट हो, वहां की खुशहाली हो, और साथ ही साथ फिर क्या किया उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर तमाम दुनिया भर में बेचे जी। तो इस तरीके से वही काम आज भारत देश कर रहा है। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक बात का जिक्र करते हैं कि भारत देश उपभोक्ताओं के भी लिहाज से एक बड़ी आबादी वाला देश है, 140 करोड़ की आबादी आज हम हो गए हैं, और यहाँ पर जो तमाम सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उस पर आज लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब सिफई जैसे महोत्सव होते हैं इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आ जाता है, और उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर के 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही जी, तो वो एक भी इन्वेस्टर से मीट यहाँ पर नहीं करा पाए जी। जितनी इन्वेस्टर्स मीट कराई उन्होंने फॉरेन में जाके कराई, बॉम्बे में जाकर के कराई, यानी लोगों के अंदर इतना डर भय था, व्यापारियों के अंदर, उद्योगपतियों के अंदर, कि वो यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे, इतना उनके अंदर भय था कि आप अगर मीटिंग करनी है कहीं बाहर चल के मीटिंग कर ले, वहां पे हमको खतरा है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया है कि इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, और जो लोग ये सवाल करते हैं बार बार इससे क्या होगा, केवल कागजी बातें, केवल कागजी बातें नहीं है, बड़ा इन्वेस्टमेंट पहले भी आया है और हम लोगों ने इस पे अलग अलग कंपनियों की पूरी चर्चा भी की है। आप देखिए सिर्फ जापान से ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जापान से आ चुका है, ये जरूर है कि 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद थी जापान से, लेकिन करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ जापान से भारत देश पे आ चुका है, खास करके ऑटोमोबाइल कंपनियों को लेकर के जापान का जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट भारत देश में आया है और लगातार ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो हर चीज पे सिर्फ सवाल खड़ा करना, विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ इतना काम बचा है कि किस प्रकार से सवाल खड़ा करना है। और यहाँ पर भारत देश के अंदर की भी बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं, फॉरेन कंपनियां भी भारत देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रही हैं। तो एक जो 3-4 दिन का जो इन्वेस्टर्स मीट है ये, और साथ ही साथ G20 को लेकर के मीटिंग है उसको लेकर के भी तैयारी चल रही है। भारत देश को इस बार G20 कराने का इस बार अवसर मिला है, ये भारत देश के हरेक नागरिकों के लिए गर्व की बात है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के नागरिकों के लिए गर्व की बात है। तो आज हमें पूरा G20 का अगर नेतृत्व करने को मिल रहा है, एक सम्मेलन करने को मिल रहा है, और साथ ही साथ बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत देश में आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माहौल बनाया है, हम तो कहते हैं इस तरीके का माहौल हर एक स्टेट का होना चाहिए, क्या बात, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, हर स्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। क्योंकि देखिए ये अलग बात है कि देश में तमाम सारे प्रदेश है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर विकसित होगा तो भारत देश विकसित होगा, भारत देश के नागरिकों को सहूलतें मिलेंगी, यहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो हर स्टेट में हम तो कहते हैं इस तरीके की इन्वेस्टर्स मीट होनी चाहिए, वहां पे सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कि फॉरेन का ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। और साथ ही साथ क्या होगा, अब उद्योग लगेंगे, जब कल कारखाने होंगे, अब आप देखिए अगर मेट्रो का निर्माण होता है तो उसमें कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, केवल ऐसा नहीं कि मेट्रो चलाने वाले सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो टिकट बेच रहे हैं, जो वहां पे कलेक्शन कर रहे हैं, जो वहां पे जो वहां का ड्राइवर है उसमें, केवल इतने तक ही नहीं है, उसमें इंजीनियर्स भी हैं, उसमें जो लोग सप्लाई करते माल वो भी हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक कल कारखाने के लगने से या एक चीज का क्षेत्र का विकास होने से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके का पैदा होता है, बहुत सारा डेवलपमेंट पैदा होता है, बहुत सारे रोजगार पैदा होते हैं, वो चाहे मेट्रो को लेकर के हो, सड़क के निर्माण को लेकर के, बसों को लेकर के हो, और चाहे ऑटोमोबाइल की कंपनियों के लेकर, मोबाइल की कंपनियों को लेकर के हो। आज देखिए मोबाइल के क्षेत्र में भारत देश बहुत अग्रणी है,
क्योंकि एक बड़ा उपभोक्ता का भी एक देश है ये। इसमें यहाँ पे बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी संभावनाएं, उन अवसर और संभावनाओं को भाई? भारत देश ने पकड़ा। मैं ये किसी का वो नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक व्यक्ति विशेष, भारत देश ने उन चीजों को पकड़ा और भारत देश आज लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है और पूरे विश्व की नजर कहीं ना कहीं भारत देश को लेकर के सकारात्मक हुई भाई। विपक्ष को राजनीति भी तो करनी है। अच्छा, और राजनीति करनी है तो हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ प्रश्न लगाना है। अच्छा, लेकिन देखिए जो सदन में भी चर्चा हुई, सदन में भी माननीय मोदी जी ने भी जो कहा कि आज अगर भारत देश को भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा है, तो टीवी पे चमकते चेहरे या प्रिंट मीडिया के खबरों या अखबारों की सुर्खियों से भरोसा नहीं बढ़ा है। अच्छा। भरोसा होता है काम करने से, विश्वास बनता है काम करने से, लोगों के बीच में जाने से। ठीक है, लोगों को स्वयं दिखाई देता है कि हाँ हम यहाँ सुरक्षित है, हमारा यहाँ डेवलपमेंट है, हमारा भविष्य यहाँ सुरक्षित है, तब लोगों को भरोसा और विश्वास होता है। भरोसा और विश्वास सिर्फ चेहरे से नहीं होता है। ठीक है, विवेक पांडे नेता सपा, विवेक भाई क्या आपकी राय है और जिस तरह से कैसे बोल रहा है, हथियार देने जा रहा है और विपक्ष को केवल राजनीति करने का मौका मिल रहा है और विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है, सरकार इतिहास बनाने जा रही है, कैसे देखते हैं? पहले तो मंच पे उपस्थित सभी पैनलिस्टों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि आपने ऐसे विषय पे आज अपनी आवाज और अपने अभिव्यक्ति को रखने की यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान की। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, व्यापार आने चाहिए, उद्योग आने चाहिए, व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। लेकिन एक तरफ मुझे समझ में नहीं आता कि हर मुद्दे पे केवल पहले इनकी स्पीच में कहीं ना कहीं विपक्ष कहां से टारगेट पे आ जाता है। भाई इतना सकारात्मक कार्य सरकार करने जा रही है लेकिन विपक्ष को लांछित करने का प्रयास कहीं ना कहीं भाजपा के प्रवक्ता वाले छोड़ते नहीं है मौका कहीं से भी। अच्छा। चलिए मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि 1043 एमओयू जो पहले कार्यकाल में साइन किए थे वो एमओयू तो साइन हो गए थे लेकिन उससे जो निवेश की उम्मीद थी वो निवेश कहा गया। अच्छा। दूसरी बात, बिल्कुल सत्य बात है, इन्होंने कहा कि हम जाते थे तो योगी जी जो 5 स्टार में बैठ करके सेलिब्रिटीज के साथ संवाद कर रहे थे जिसपे की उनकी फजीहत हो गई थी, वो क्या उत्तर प्रदेश के ताज में बैठ के कर रहे थे क्या? अच्छा। उत्तर प्रदेश को इन्होंने इतना अच्छा विकल्प बना रखा है कि हमारे समय में कम से कम बिल गेट्स जैसे लोग तो आते थे मिलने अखिलेश यादव जी से। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है बड़े बड़े कंपनियों के संस्थापक खुद आकर के मिलते थे। अच्छा। आज उत्तर प्रदेश को भाजपा सरकार ने इतना बड़ा निवेश का स्थान बना दिया कि इनको जा करके विदेशों में आमंत्रण देना पड़ रहा है कि आइए और हमारे उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए। अरे मिलने आते निवेश लेके थोड़ी आते थे, मिलने आते निवेश लेके आते थे, निवेश लाने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। नहीं 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 सुन लीजिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार हमारे कार्यकाल में अच्छा बाहर से लोग आते थे हमसे मिलते भी थे हमारे साथ मिल करके उत्तर प्रदेश की विकास की अच्छा जो एक परिपाटी तैयार करते थे उसमें कई चीजें साक्षात ज्वलंत है जिसके फीते ये काट रहे हैं आज भी। अच्छा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आप निवेश ला रहे अच्छी बात है, इस देश की इकोनॉमी आपने मजबूत कर दी, बिलियन ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी थी वो भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कौन सी इकोनॉमी है ये जिसका फायदा देश को मिल रहा है, देश मजबूत हो रहा है लेकिन आम जनमानस की जेब जो है वो हल्की पे हल्की होती जा रही है। ऐसी इकोनॉमी का क्या फायदा गौरव भाई जिसका फायदा देश को मिल रहा है लेकिन उस देश के नागरिकों को नहीं मिल रहा है? अच्छा। मुझे पहले तो ये अंतर स्पष्ट कर दे कोई, जो पैनल में सम्मानित जितने लोग बैठे हैं कोई स्पष्ट कर दे। और रही बात ये क्या कहने जा रहे थे अभी कि बहुत बड़ा समिट है, बिल्कुल समिट है, इन्हें इनके समिट के गुब्बारे उड़ गए। अच्छा। अडानी के प्रकरण में जिस तरह से भारत के उद्योगपति की इतनी बड़ी चीज सामने उजागर हुई है, मुझे लगता है अगर ये उसमें जांच कमेटी भी बिठा देते या जांच आयोग का भी गठन कर देते तो भी उनको क्लीन चिट मिल सकती थी। अच्छा। लेकिन इनका मौन और जिस तरह से सदन में खड़े होकर के इतने बड़े पद की गरिमा का माहौल उड़ाते हैं, मुझे लगता है इससे शर्मसार दिन शायद ही इस देश ने कभी देखा हो। यही अंतर है जो मैं हमेशा कहता हूँ अटल जी की भाजपा में और वर्तमान भाई में अंतर जो है वो साफ दिखाई देता है। अब आपसे एक उदाहरण प्रस्तुत कर देता हूँ, जल्दी कर दीजिए।
ये वो सरकार है जो उत्तर प्रदेश में समिट कराने जा रही है, इसका जवाब ये बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे लगाएगी, सबसे ज्यादा गो हत्या के जनक ही है, गो हत्याओं के जनक ही है उत्तर प्रदेश सरकार के लोग। अच्छा, गायों की जो दुर्दशा कर रखी है, अगर किसी ने डेयरी प्लांट की अगर परिकल्पना भी कर दी तो जो यहाँ की जब वो सर्वे करवाएगा लोकल रिपोर्ट आएंगी उसके बाद गायों की दुर्गति और दुर्दशा देख करके आपको लगता है कि कोई डेयरी प्लांट यहाँ पे आएगा। अच्छा, दूसरा सवाल फिर मैं खड़ा करूंगा जो कि हमारे आदरणीय सुनील भाई, सुनील त्रिपाठी भैया बैठे होंगे, वो बिल्कुल सुनते ही मुस्कुरा देंगे, देखिएगा आप उनकी मुस्कुराहट। अच्छा, क्यों हर इंडस्ट्री नोएडा गाजियाबाद मेरठ के परिक्षेत्र में लगती है भाई? अच्छा, क्यों पूर्वांचल को अछूता रखा इन्होंने केवल? अच्छा, आज तक पूर्वांचल का बच्चा बैग उठा करके क्यों घर छोड़ करके जाता है केवल इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए दूसरे परिक्षेत्रों में? क्यों पूर्वांचल को आपने हमेशा सौतेला व्यवहार दिया? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ कि क्यों सारी औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज है वो एक सीमित दायरे में स्थापित की जा रही है जहाँ बड़े बड़े इनके अधिकारी बड़े बड़े नेता निवेश करते हैं जमीनों में, और क्यों पूर्वांचल उन्होंने की? जितने सुन लीजिए, कन्नौज से लेकर के जिस प्रकार से कालीन इंडस्ट्री को खड़ा करने का काम, पूर्वांचल की बात करिए, पावर प्लांट जितने हमने लगा दिए, सुन लीजिए जितने तीनों पावर प्लांट हमारे समय के स्थापित है, ये तो बिजली महंगी करके बेच रहे हैं। अच्छा, ये तो बिजली, इन्होंने तो एक पावर संयंत्र नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी ये काम ना कर पाए। अच्छा, नेडा का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप देखेंगे ऐतिहासिक अखिलेश जी के काल में लगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये काम तो कर रहे हैं, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सरकार किसी को भी सतत काम तो चलेगा, लेकिन फीते काटने वाले काम से नहीं होगा। और उसका ज्वलंत उदाहरण इको गार्डन, चलिए तो ये रोजगार के दावे ठोकते हैं, उस दावों की पोल वहीं खुल जाएगी। इको गार्डन में देखिए बच्चे किस तरह, ट्विटर ट्रेंड देख लीजिए, उठा के छोड़ दीजिए मेरी बात, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप ट्विटर ट्रेंड देख लो। यूपीएसआई के मामले में जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने पलीता लगाया उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, चुन चुन करके 15 लाख से 50 लाख तक के सब इंस्पेक्टर जो भरे हैं, 30 से ज्यादा FIR गौरव भाई, 60 से ज्यादा लोग, मतलब 60 से ज्यादा लोगों के ऊपर बाकायदा एलिगेशन, और 200 से अधिक लोग नामजद किए गए हैं। अच्छा, 30 से अधिक सेंटर मालिकों के ऊपर नामजद, 60 से अधिक FIR है। लेकिन सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की इतनी जीरो टॉलरेंसी रखती है कि जीरो, शून्य पे बैठी है, एक वक्तव्य आज तक इस प्रकरण में नहीं आया। अच्छा, आपने भी कई बार ये मुद्दा उठाया, ठीक, लेकिन धन्यवाद देता हूँ कि ठीक है फाइलें खुलने का समय है, उद्योग आ रहे हैं, उद्योगों को आने दीजिए, लेकिन एक निवेदन करूंगा गौरव भाई आपके माध्यम से, जी बिल्कुल, उद्योगों की आड़ में बड़े उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए जो वेंडर्स जोन है, जो सड़कों पे वेंडर जो निःशुल्क देते हैं नगर निगम को, उनको हटाने की कवायद बंद करिए, क्यों वो गंदगी नहीं है शहर की, वो छोटे व्यापारी हैं। अगर 8 दिन का आपका समिट का कार्यक्रम है, 8 दिन आपका प्रचार प्रसार करने का कार्य है, तो वो वेंडर इनको, क्योंकि उनको निर्देशित किया जा रहा है कि वेंडर जोन से सारे वेंडर हट जाए, 8 दिन उनका घर कौन चलाएगा, 8 दिन उनको क्या जो उनका दैनिक जो उनकी कमाई है उसका भत्ता सरकार देगी क्या? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल उठा रहा हूँ उस वेंडर जोन की, जो कि गरीब तबका है, जो कि सड़क पे ठेले खुचे लगा करके नगर निगम को 600 रुपए प्रतिदिन दे करके अपना घर पाल पोस रहा है, क्या भारत में अब उन लोगों का स्थान नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश में उन लोगों का स्थान नहीं रहेगा जो जमीनी जड़ से जुड़े हैं व्यापार? ठीक है, पकौड़े आप ही तलवा रहे थे ना, पकौड़े कौन तलवा रहा था, पकौड़े को व्यापार किसने बताया था, पकौड़े तल रहे हैं, हटने की क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे यहाँ कोई आता है तो छवि सुधार करने के लिए भारत के अंदर उनकी बस्तियों के आगे बड़ी एक शेड लगा दिया जाता है छुपाने के लिए? ठीक है, क्या ये गौरव भाई अपने नागरिकों से इतना आसान महसूस कर रहे हैं क्या? ठीक है, ये सम्मान देंगे यूपी को? ठीक है, ये निवेश लाएंगे जो सड़क पे आपको दिन भर पूरी खस्ते कचौड़ी बना के खिला रहा हूँ उसको वेंडर रोड से हटा देंगे, फाइव स्टार होटल है। ठीक है, प्रवक्ता रालोट, वेद प्रकाश मिश्रा, उसके लिए मार्केटें बनी हुई है, कैसे देखते हैं आप बुद्ध बाजार जिस तरह से यहाँ पर इतिहास हंसने जा रहा है, और आपकी क्या राय है पूरी इन्वेस्टर स्थान चिन्हित है उसके लिए? जी बाल वो लीजिए ना, परेशान क्यों रहे गौरव जी? जी निवेश हो प्रदेश में, चलिए ऐसी उम्मीद हम भी रखते हैं, चलिए अच्छी बात है, लेकिन निवेश की आड़ में सरकार आम नागरिकों को धोखा दे और बड़े बड़े विज्ञापन और बड़ा बड़ा प्रचार करके, अच्छा, कि साहब हम इतने 1,00,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कराने जा रहे हैं, अच्छा, और उसको लेकर के इतना बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा करना, लेकिन जो हमारे प्रदेश के व्यापारी हैं, आज 1 महीने पहले प्रदेश के व्यापारियों के साथ क्या हो रहा था,
चाट वाले खुंचे वाले को भी इन्होंने नहीं बख्शा और उसके यहां भी जाकर के छापा डाला और उनके भी ठेले सील किए, उनकी भी दुकानें सील की और उनको भी प्रताड़ित करने का काम किया। कौन सी ऐसी पृष्ठभूमि वर्तमान सरकार ने तैयार की है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि हमारे यहां 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। क्या मूल आधार है, क्या उसकी संरचना पर, क्या उसकी संरचना पर कोई प्रकाश भारतीय जनता पार्टी सरकार देश की जनता को बताएगी, प्रदेश की जनता को बताएगी, या विपक्ष को बताएगी, या मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से विपक्ष को यह जानकारी होगी कि यह मूल ढांचा तैयार किया गया है, इस आधार पर बाहर के व्यापारी आकर के यहां इन्वेस्ट करेंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे यहां के छोटे व्यापारी हैं जो उद्योग चला रहे हैं उनके लिए सरकार क्या कुछ सुविधाएं दे रही हैं, यह आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। अच्छा। पूरा उद्योग जगत इससे आहत है। ठीक। किसानों की बात ले लीजिए, नौजवानों की बात ले लीजिए, बेरोजगारों की बात ले लीजिए, सारे के सारे लोग सड़क पर हैं। भ्रष्टाचार के लिए अभी विवेक पांडे जी ने जो उदाहरण दिया इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण और इसमें जोड़ देता हूं कि वर्तमान धान खरीद में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंडियों में जो 200 ट्रक चावल आ रहा है, ये चावल कहां से आ रहा है, ये चावल कौन ला रहा है, और धान की जगह पर चावल की सीधे राइस मिलों को जा रहा है, सरकार को कुछ पता नहीं है। और माननीय योगी जी कहते हैं कि हमारी भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति है। मैं बता रहा हूं आपको, सीतापुर जनपद में उन लोगों से धान की खरीद की गई। एक छोटा सा उदाहरण एक जिले का, पूरे प्रदेश के हालात वही हैं। अच्छा। कि एक वो आदमी जो धान बेच रहा है उसके नाम 1 इंच जमीन नहीं। अच्छा। जिस व्यक्ति के नाम जमीन नहीं थी उसके नाम रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया, और रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो फिर खरीद के समय में उसके मूल प्रपत्र चेक किए बगैर उसके धान कैसे खरीदे गए। अच्छा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनकी पत्नियों के नाम धान खरीदे गए हैं साहब। पत्नी के नाम कहां से लेके आए, उनकी पत्नी के नाम। और जब मामला प्रकाश में आया, जब मामला प्रकाश सरकार कैसे पता है कि पत्नी के नाम है, 4,25,000 की रिकवरी के आदेश एसडीएम मोहली के यहां से हुए हैं। केसी जैन साहब उसकी जांच करा ले या सरकार जांच करा ले। अच्छा। इस तरीके का भ्रष्टाचार सुनियोजित करके ये नौकरशाही कर रही है। अच्छा। सरकार को कुछ पता नहीं है। अच्छा। या सरकार की मिली भगत है, कैसे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होगा ये हम लोगों की समझ के बाहर है। आपको दिक्कत हो रही है से? भाई एक बात आप बताइए, हम अरे आपको खुशी है कि नहीं है? देखिए आप 22 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पहले पहली बात सुनिए, सुना दीजिए। गन्ना किसान, डेयरी उद्योग, क्या हालात है उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को यह पता है हम किस रेट में अपना गन्ना बेच रहे हैं? उनको यही नहीं पता है कि ये जो मिल वाले हमारा गन्ना खरीद रहे हैं हमको ये मूल्य क्या देने वाले हैं, और सरकार बताने को तैयार नहीं है, सरकार मूल्य घोषित करने को तैयार नहीं है। और 23 दिसंबर से लगातार राष्ट्रीय लोकदल माननीय चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में इस पर आंदोलन चला रहा है। 27 तारीख को हम फिर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, 7 को हमने धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार का कोई किसानों के मामले से लेना देना ही नहीं। अच्छा। जब आप बताइए कि जब इस तरीके की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू है, 44 जनपद गन्ना बाहुल्य है जी, उत्तर प्रदेश में 119 चीनी मिले काम कर रही है जी, किसके इशारे पर गन्ना मूल्य घोषित नहीं हो रहा है भाई? अच्छा। क्यों नहीं आप गन्ने का मूल्य बता रहे हैं? चलिए ठीक। और ये उनकी पर्ची के ऊपर कौन सा गन्ना मूल्य डाला जा रहा है? अच्छा। कोई लेना देना नहीं है, चाहे जितना फर्जीवाड़ा हो। अच्छा। चाहे जितनी धांधली हो, चाहे जितना भ्रष्टाचार हो। ठीक है। आप एक गौरव जी एक बात और आपको जोड़ दूं, बोल लीजिए भाई। आप एक बात बताइए, एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने लिखा कि साहब इसमें धांधली हुई, इसकी जांच करा लीजिए। ठीक। उनके विशेष सचिव शशांक त्रिपाठी जी ने जांच करानी थी खाद्य रसद विभाग की, और जांच के आदेश कर दिए कि साहब अपर सचिव कृषि इसकी जांच करेंगे। 17 तारीख को भेजा गया पत्र, 31 तारीख को उनके पास पहुंचता है। यह मैं लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय के हालात बता रहा हूं। 22/8 को एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदया को दिया गया, उसके ऊपर आदेश 12/12 को हो रहे हैं।
ये हो क्या रहा है प्रदेश में? अगर इस तरीके की स्थिति है तो प्रश्न विपक्ष नहीं उठाएगा, ऐसा कैसे हो सकता? सरकार जवाब देना चाहे दे, न देना चाहे न दे, हम आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। मैं पूरा सरकार इतना खराब काम करती, दोबारा जनता कैसे मौका दे रही थी भाई, समझ में नहीं आता मेरे। जनता मौका दे करके अगर आपको सत्ता में बैठा दे रही है तो इसका प्रमाण पत्र ये नहीं है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं। अच्छा, जनता ने तो इंदिरा जी को बहुत दिन तक जनादेश दिया। अच्छा, तो क्या उनके द्वारा किए जा रहे सारे काम अच्छे थे? अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता सौंपी है जनता ने दोबारा, तो इस अपेक्षा के साथ सौंपी थी कि साहब फर्जी धान खरीद होगी? इस अपेक्षा के साथ होगी? मतलब गड्ढा मुक्त अभियान के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। आपके ही माध्यम से ये प्रश्न उठा था और इस पर एक लंबी डिबेट चली थी। ये नीचे वाले अधिकारी, जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं, सचिव क्या कर रहे हैं, विधायक क्या कर रहे हैं, सांसद क्या कर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख की कोई जिम्मेदारी है, जिला पंचायत अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी है? सारा सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ही होगा। इसका मतलब निचले स्तर की जो मशीनरी है वो या तो काम नहीं कर रही है या पूर्ण रूप से निरंकुश हो चुकी है। ऐसी दशा में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा इसकी तो कोरी कल्पना है। अच्छा, ये केवल छलावा है। अच्छा, केवल जनता के पैसे को बर्बाद करना है, कहीं कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, ठीक सही है। मोहम्मद तकी, आप किसी वकी बात पर बड़ा मुस्कुरा रहे थे, समझ में नहीं आया मुस्कुरा क्यों रहे थे। और अगर इतिहास बनने जा रहा है तो क्या दिक्कत क्या है भाई? आप लोग भी लगातार सक्रिय बने रहते हैं, सरकार के विरोध में आंदोलन करते रहते हैं, पर अगर कुछ बेहतर हो रहा समर्थन कर दीजिए भाई, दिक्कत क्या है? अब खुशी नहीं हो रही क्या? खुशी हो रही कि नहीं हो रही है? लेकिन ये बड़ा अच्छा शेर है। हाँ। और ये जाहिर जाते हैं आने वाले जाने वाले हर जमाने के लिए आदमी मजदूर है राहें बनाने के लिए। क्या बात है। तो सरकार को ये मंजूर नहीं है कि लोग अपनी पटरी पे रेड़ी लगाएं, अपना व्यापार खुद करें, लेकिन सरकार सबको मजदूर बनना चाहती है और आने जाने वाले लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है, ऐसा भाव दिखाना चाहती है कि लखनऊ हमेशा से ऐसा ही था। आप ये एक और बात होती है, जब इस तरह के दूसरे समिट होते हैं तब रातों रात काम हो जाता है। वैसे पब्लिक जनता दिन भर चिल्लाती रहती है, सारा भर चिल्लाती रहती है और सफाई नहीं होती और गड्ढे नहीं भरते। आज भी आज की डेट में जहाँ ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है, कहीं जगह सड़कों पे गड्ढे भरे जा रहे हैं। जो मेन सड़कें हैं, जो मेन सड़कें हैं, मेन जो सड़कें, मेन सड़कों से अगर आप हटिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मेन सड़कों में तो सफाई हो रही है, लेकिन उसके अलावा अंदर जो है वो सफाई नहीं हो रही ठीक से। अंदर आज भी जो है गलियां वैसा ही है, मोहल्ले वैसा ही है, सीवर लाइन का ढक्कन लगाया है, सीवर का ढक्कन नहीं है, आज भी लोग वहाँ परेशान है। तो ऊपर ऊपर से जो सजाया जा रहा है, लेकिन अंदर से व्यवस्था बहुत खराब है। और मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि दुर्बल यानी राजधानी लखनऊ सज रही है तो आपको तकलीफ हो रही है? नहीं सज नहीं, तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन आप बताइए किसके लिए सजा रहे हैं आप? अच्छा, दाजी ने कहा दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, वही खाल की सांस ले तो लोहा। दुर्बल कौन है यहाँ पर? तो दुर्बल लोग, जो दुर्बल लोग पटरी वाले। अच्छा, इन्वेस्टर समिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट आएगा, रोजगार पैदा होंगे, तो किसको मिलेगा? अमीरों को मिलेगा क्या? ठीक है, मैं आप बताइए कि कानपुर के अंदर बिजनेस नहीं होता था? कानपुर को तो मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता था। कानपुर के अंदर जो लेदर व्यापारी लेदर काम करते उनका क्या हाल चाल है? अच्छा, हालांकि मुरादाबाद में क्या पीतल का उद्योग नहीं होता था? पीतल इंडस्ट्री का क्या हुआ मुरादाबाद में? फिरोजाबाद में जो शीशे काम होता था, शीशे काम क्या हुआ? अलीगढ़ में ताले काम होता, ताले कामों का अलीगढ़ में जो काम होते छोटे काम होते उनका क्या हुआ? आपके गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर के अंदर सूत का काम होता था, हथगर मजदूर जो है करघा से चला के बना कपड़ा बनाते थे, उस सबका क्या हुआ? इंडस्ट्री क्या हो गया? जो छोटी इंडस्ट्री थी हमारे देश की, जो हमारे देश की हड्डी थी, उसको धीरे धीरे करके एक तरीके से योजना पर तरीके से उसको खत्म किया गया, खत्म बर्बाद किया गया है। अच्छा, सरकार को वहां काम करना है। अच्छा, सरकार को जहां हमारी देश की आबादी है, प्रदेश की आबादी 24 करोड़ जनता है, 24 करोड़ जनता पेट भरने के लिए कुछ ना तो करेगी। हर कोई इंडस्ट्री में काम तो मतलब उसको इतनी इंडस्ट्री तो लगने वाली नहीं, काम मिलने वाला है। आपने पिछले जो 3-4 इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बाद कितना यहाँ कारखाने लग गए, कितना लोगों को रोजगार मिल गया। कोरोना के बाद आपने कहा था इतने भी लोग आएंगे बाहर से, सबको यहाँ खपा लिया जाएगा, सबको यूज कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश का स्किल उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल किया जाएगा। बताइए कहाँ कौन सी इतनी फैक्ट्रियां लग गई जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिल गई हो? अच्छा, आप मैं तो किसी चैनल को चैलेंज करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से चले वीडियो लेके कैमरा लेके और दिखाएं कितनी इंडस्ट्री लग गई उत्तर प्रदेश में जगह पे, जहाँ यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल गई है। अच्छा, आज भी उत्तर प्रदेश का युवा जो है वो बॉम्बे में कहीं टैक्सी चला रहा है, कहीं गाड़ी चला रहा है। आप उत्तर प्रदेश से निकल के दूसरे राज्यों में जाइए, आपको वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग या नाई का काम करते मिलेंगे, या टैक्सी चलाते मिलेंगे, या होटलों पर चाय बनाने का काम करते मिलेंगे। उनको यहाँ अपने उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, योगी जी को भी प्रधानमंत्री बनने का शौक है,
तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। किसे कह दिया भाई, ये कौन सा बयान है, वो प्रधानमंत्री, ये कैसा बयान है, वो भी मोदी जी की तरह चल के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनको लगा कि भाई मोदी जी ने इन्वेस्टर समिट करी थी गुजरात में, जिसका आपने देखा भी क्या हाल है गुजरात में, क्या हो रहा है वहाँ पे, तो उसी तरह से वो भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ये उससे अपनी इमेज को साफ करने का, उनकी इमेज को साफ करने का, चिमकाने का ये काम है। इमेज खराब है क्या उनकी, इसका उत्तर प्रदेश की इमेज खराब है क्या? तो देखिए सत्य तो आप जानते ही, क्या किसी को, हम क्या जानते हैं, आप बता दीजिए। आप भी समझदार है, वरिष्ठ पत्रकार है, सालों से पत्रकारिता में रहे हैं, आपको पता है कहाँ क्या है। अच्छा। लेकिन ये अपनी मैच को मेकओवर करने के लिए, अच्छा, प्रधानमंत्री जैसा मैं लगूं करने के लिए सारा पैसा खर्चा किया जा रहा है, टाइम बर्बाद किया जा रहा है। अच्छा। जनता को इसमें कुछ मिलने वाला नहीं। अगर इतनी इंडस्ट्री लग जाएगी, केसी जैन जी बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में 24 घंटे लाइट आ रही है? अगर इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इंडस्ट्री लग जाएगी, तो इंडस्ट्री वालों को लाइट मिलेगी क्या? आपकी व्यवस्था है बिजली की? कितने पावर हाउस बनाए आपने? कितना बिजली प्रोडक्शन हो रहा है? और इतनी महंगी यूनिट आप बिजली दे रहे हैं जनता को, यहाँ पे 8 रुपए यूनिट बिजली, और आप कह रहे हैं महंगा करेंगे उसको जी। तो आपकी जो बातें हैं वो खोखली हैं, उसके अंदर कोई पीछे से जो है समर्थन नहीं है। ठीक है सुनील भाई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर मूल्यांकन करिए उसका, क्या मूल्यांकन है यहाँ पे, कैसे चारों लोगों के लिए मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा समय हमको दे दीजिए। बिल्कुल समय, आप बीच में ब्रेक कर देते हैं, माइंड ब्रेक हुआ था जी, बोलिए। सबसे पहले तो हम केसी जैन जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। क्या बात, कि कम से कम आपने करके लखनऊ के बेरोजगारों को 2 दिन के लिए रोजगार दे दिया आपने। अच्छा। सबसे बढ़िया काम किया, इसके लिए कोट कोट नमन आपको। चलिए दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे फुटपाथ थे, डिवाइडर थे, निकलते थे हम बाइक से तो धूल घुसती थी हमारी आंखों में, उनकी सफाई करके साल भर के लिए जीवन दान दे दिया, इसके लिए मैं नमन करता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। तीसरी चीज ये है गौरव जी, जी कि इन्वेस्टर समिट हो रही है, इसी बहाने कम से कम हम नहीं तू ही सही, कुछ रोडे तो दूसरी रोड से यही कह रही हैं कि काश मेरा नसीब होता कि इतने बड़े व्यापारी मेरे दरवाजे से जा जाते तो शायद हम भी साफ हो जाते। अरे हो तो रहा है, तो तकलीफ क्या? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ, जो रोडे कह रही हैं, घर में तैयार, घर पे सफाई होती है, ये रोडे कह रही हैं, एक रोड मुस्कुरा रही है और एक गड्ढों से लहरा रही है। अच्छा। तो अब वो कह रही है काश मेरी किस्मत ऐसी होती कि ऐसे दो मेरे दरवाजे से भी गुजर जाते तो शायद मेरी किस्मत चमक जाती। ये मैं केसी जैन जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और हमारे जो व्यापारी बंधु, उद्योग बंधु आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ लखनऊ में। क्या बात। दूसरी बात, विवेक जी ने जो कहा, विवेक जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मैं इनको दिल से मानता हूँ, लेकिन इनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। क्या बात है। जिस समय ये पावर प्लांट लगाए गए थे मेरे भाई, 500 करोड़ घोटाला आज भी बिजली विभाग का, सीबीआई को वहाँ दफन है, आप जब चाहो निकलवा देख लो। क्या बात। तो लूटने वाले जिस देश को हमेशा लूटे हैं, कब तक लूटेंगे ये तो ईश्वर जाने। विवेक भाई क्या हुआ? विवेक जी मैं बोला नहीं हूँ, थोड़ा सा इसलिए सबकी बात मुझे रखनी है। सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। दूसरे एक सेकंड, केसी जैन जी बड़े गर्व से भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा कि मैं मीडिया की सुर्खियों में नहीं, अखबारों की सुर्खियों से नहीं आया हूँ, अच्छा, न मीडिया की चमक से आया हूँ। तो मैं अपने प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ कहना चाह रहा हूँ कि मीडिया ही आपको यहाँ तक लेके आई है। क्या बात। हमारे इतने सीनियर पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पे कोई कटाक्ष नहीं किया, मेरी आत्मक वेदना पहुंची है। अच्छा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक छोटे पत्रकार थे और प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचे थे। शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति हुए, अच्छा, छोटे से पत्रकार की श्रेणी चल करके। अच्छा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये अहंकारी बयान मुझे थोड़ा कष्ट हुआ है। अच्छा। और मैं निवेदन करता हूँ, धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे मत कहें कि टेलीविजन की चमक से हम नहीं आए हैं। हर प्रधानमंत्री, हर देश का नागरिक, हर बेरोजगार, हर श्रमिक देश के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप ही देश की सेवा में काम कर रहे हो। अच्छा, आपको याद रखना चाहिए कि सारे लोग देश में आपके साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं, इसलिए यह आज दुनिया में आप चमक रहे हैं। आप अपने ही बल्ब नहीं चमक रहे, 100-100 करोड़ लोग बल्ब चमक रहे हैं। अच्छा। तीसरी बात, विवेक जी ने कही पूर्वांचल, तो मैं योगी जी से भी निवेदन करता हूँ कि एक बार विवेक जी का पूर्वांचल चमकवा दीजिए। जब आते हैं उनको एक पीड़ा होती है कि हमारे पूर्वांचल इंडस्ट्री कहने लग रही है, तो कम से कम वहाँ भी लग जाते। चार बार सरकार नहीं, भूल गए होंगे पूर्वांचल को। हाँ, नहीं, जो इन्वेस्टर चार बार की सरकार रही है, सपाजी भूल गए होंगे कि हमारे विवेक जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता समाजवादी हैं। अच्छा। एक बार इनके वहाँ भी मीटिंग करवा देते, कम से कम देख लेते हैं पूर्वांचल में कुछ हो रहा है। राहुल जी की तरह देश के हर बंटवारे की बात ये करते रहते हैं, पूर्वांचल से वो कहेंगे पंजाब अलग, गुजरात अलग, ये अलग। हाँ। तो विवेक जी कहते हैं अरे वो अलग राज्य का दर्जा मांग रहा है भाई। नहीं, देश तो एक ही है। अभी आपने पिछली डिबेट में सुना था। हाँ। कि किसी ने कहा था, मुझे ध्यान ने कहा बंगाल। हाँ। तो बंगाल हमारा ही तो प्रांत है। हाँ। भारत हमारा इतना बड़ा, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झांसी हो, चाहे लखनऊ, है तो हमारा ही। ठीक।
तो विवेक जी की इच्छा की पूर्ति हो जाए। ठीक है गौरव जी आपके चैनल माध्यम से जी। तीसरी बात जो पुलिस भर्ती विवेक जी ने उठाई थी हाँ। तो भाई मेरे अगर माननीय न्यायालय ना होता तो यादव जी के अलावा किसी की बिल्ला नहीं रखता इस प्रदेश में। मैं खुल कह रहा हूँ सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, जो भर्ती कराई थी पुलिस वाली उसमें केवल यादव जी के ही बच्चा बिल्ला दिखाई पड़ा था और किसी दिखाई नहीं पड़ा था, माननीय न्यायालय को चेक करना पड़ा जी जी। आप भाजपा को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? आप भाजपा को क्लीन चिट दे रहे हैं क्या? मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ। अरे हमाम में तो क्या कहावत है, सभी वैसे ही हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है। अच्छा लेकिन ये नहीं कि दूर हैं। आप योगी जी के लिए कहिए पहले, जो वर्तमान है वर्तमान है, आप क्लीन चिट दे रहे हैं भाजपा को। हम क्लीन चिट नहीं दे रहे किसी को, लेकिन ये हम मत कहे कि हम बहुत ईमानदार हैं, हमने कुछ नहीं किया है। अरे वो तो मैं तो ये कह ही नहीं रहा, मैंने तो ये सवाल उठाया कि जो यूपीएसआई में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर किया गया, 30 से ज्यादा सेंटर मालिकों पे एफआईआर है, 60 से ज्यादा बाकायदा उसके अंदर एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 200 से ज्यादा लोग नामजद है, उसके बाद भी भाजपा इस पर एक बार भी कोई संज्ञान नहीं लेना चाहती, कोई प्रवक्ता बोलता है उसका। योगी आदित्यनाथ सरकार में कोई बच्चे नहीं जाएगा, जान लीजिए सुन लीजिए, ना अपराधी बचेगा, योगी जी तक तो नहीं बोले बचेगा, बच्चे मांग कर रहे हैं कम से कम इसकी जांच करवा दो। विवेक जी सुनिए मेरी बात, ना कोई टैक्स पेयर बचेगा और ना कोई अपराधी बचेगा, लीजिए ये पक्का जान लीजिए कि बड़ा बयान दे दिया, दो चीज दो लोग तो बचने नहीं है। ठीक है, कौन सा बड़ा बयान है ये? गोवंशों की हत्या हो रही है, गोवंशों को मारने वाली सरकार है ये। मैं विवेक जी उसी पे आ रहा हूँ, एक सेकंड के लिए बस। ऐसा है कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ, व्यक्तिगत दुखी हूँ हाँ। कि जानवरों के साथ जो दुर्दशा इस सरकार में हो रही है, सरकार इस पर कहीं कहीं निश्चित रूप से असफल हुई है, और जानवर आज बेमौत खुद मर रहे हैं और हमारे किसानों को भी मारने के लिए बेहोश हो रहे हैं। क्योंकि एक घुराला और हो रहा है गौरव जी कि जो भूसा डीपीआरओ के माध्यम से खरीदा गया, मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है, उस भूसे को 3000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब दिखा करके डीपीआरओ प्रदेश से पेमेंट ले रहे हैं, तो भूसे के रेट क्यों 1800-2000 नहीं हो जाएगा मार्केट में, जबकि भूसा 600 से 800 से 1200 से ऊपर कहीं उत्तर प्रदेश से बिका नहीं है। इस पे जरूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि पशुओं बेचारों को सही ढंग से कम से कम गौशाला तक पहुंचा दें, गौशाला के नाम पे पूरे प्रदेश में लूट बची हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस मामले में विवेक जी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूँ, मैं जानवरों को देखता हूँ तो वास्तव मुझे दिल से पीड़ा होती है, लेकिन मैं किसी लायक थोड़ा वेदप्रकाश भाई और तकी पे बोल लीजिए जी जी। जैसे वेदप्रकाश जी ने कहा मंडियों की बात, तो गौरव जी सबसे ज्यादा घोटाले इस समय चावल के हो रहे हैं मंडियों में। इसमें मंडी समिति, मैं लखनऊ बात कर रहा हूँ, नवीन गन्ना मंडी की, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी आंख 10-10 ट्रक चावल कहां से आ रहा है, वो चावल सरकारी गोदामों का जो किसान इनको दिया जा रहा है राशन में, वो राशन का चावल खुले आम शहर में बिक रहा है। अच्छा, ना डीएम साहब ध्यान दे रहे हैं, ना कमिश्नर साहब ध्यान दे रहे हैं, ना खाद्य आयुक्त ध्यान दे रहे हैं, वो चावल सरे आम ठेलिया वाले दिखाई पड़ते हैं, चावल दो बर्तन लो सामान लो इस तरह बोलते रहते हैं। वही चावल मंडियों में जा रहा है और चावल मिलों में जा रहा है। दुर्भाग्य है कि वही चावल फिर यूपीएफसी जा रहा है, एफसीआई जा रहा है, और वहां से फिर सरकार खरीद रही है। अच्छा। ये बहुत बड़ा ब्लंडरिंग है, और गल्ला मंडी में छापा मारा देख लीजिए, 2-4-10 ट्रक व्यापारियों के वहाँ हमेशा आते रहते हैं, तो मैं इनकी बात से वेदप्रकाश जी की सहमत हूँ। दूसरी बात जो किसानों की उन्होंने कही उठाई है, किसान बहुत परेशान है, बीज माफिया, गौरव जी आप तो धान की बात कर रहे हैं, मैं बीज की बात कर रहा हूँ कि हमारे कृषि मंत्री महोदय सौभाग्य से दोबारा जीत के आए, रिकॉर्ड तोड़ दिया है, लेकिन बीज माफिया जितना सक्रिय शाही जी के राज्य में हुआ है कोई सक्रिय नहीं हुआ है। जो बीज किसानों को दिया जा रहा है उसका मूल्य इतना अधिक किसान खरीदता नहीं है, वही बीज बेच दिया जाता है, और इनके जो कर्मचारी होते हैं कृषि विभाग के उनके वेतन से पैसा काट करके उस खाते को पूरा किया जा रहा है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये पूरे प्रदेश भर में हो रहा है। किसान का 20 रुपए बीज 40 रुपए कहां खरीद पाएगा किसान बताइए जी। और जो धान वाली बात है तो गन्ने में बता रहा हूँ, गन्ना में गौरव जी ये हालत पर्चियों पर अभी तक रेट नहीं रखा गया है, मेरी समझ से ये किसानों के साथ धोखा है। और इन्वेस्टर समिट बोल दीजिए, इन्वेस्टर समिट के लिए तो खैर देखा जाएगा, ये तो अच्छी बात है, अभिनंदन तो आपने 3-4 बार कर दिया किसी भाई का, इसलिए किया हूं मेरे मुद्दे भी बोल दीजिए। नहीं नहीं हम तो भाई का करोड़ का लक्ष्य जो पूरा कर रही सरकार। नहीं नहीं गौरव जी बिल्कुल कर रहा हूँ, इन्वेस्टर समिट का मैं स्वागत करता हूँ, आप भी कर रहा हूँ, कि जमीन आधार पर जाने के बाद कुछ दिखाई तो पड़े। अच्छा, मेहमान ऐसे आए कि हम सबको लुटा दिए हाँ। और बाद में हम खुद हाशिए पे आ गए। अच्छा, तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, ईश्वर अच्छा। करे कि प्रदेश का विकास हो। तो जी तो तारीफ है कि बुराई है,
अब ये आप हमसे बतगा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसको तारीफ पे, इसकी इसकी गिनती तारीफ पे करूं कि बुराई में है, किस तरह से मेरी बात को बेइज्जती सोचती है, आप बेहतर समझते हैं, आप इसलिए जर्नलिस्ट हैं हमारे। एक चीज तगड़ा मूल्यांकन आप करा, ठीक है ठीक है गौरव जी, एक चीज आपने और देखी होगी, जल्दी बोलिए कि जितनी भी सड़कें उनसे गौ माता गायब हो गई। अच्छा, यही लखनऊ में जहाँ गौ माता, क्या दिक्कत है अगर गौ माता रोड पर जाएगी, वो अनलिस्टमेंट समिट आ गई तो गौ माता को गायब कर दिया गया। अच्छा, जिन गौ माता को आप छू नहीं सकते थे भाजपा सरकार के अंदर, और वो घूमता रहे, खुले सांड टहला करते थे और फसलें चला करते थे, सड़कों पे वो हट गए, गायब कर दिया गया। जब अपना आया तो वही गौ माता को हटा दिया गया, अब गमले लगा दिए गए, हरियाली कर दी गई, क्या गौ माता के होते हुए खुले में गमले लग सकते थे इतने सारे। अच्छा, तो गौ माता सारी कहाँ चली गई, कहाँ को गायब कर दिया गया? अच्छा, क्या उनको खाना भूसा मिल रहा है उनको, कहीं ऐसा ना हो इनमें सबमिट के माने गौ माता ने भूसे के लिए संघर्ष, चार पांच दिन वो गौ माता भूखी न रह जाए, मुद्दा ये बिठा लीजिए ठेले वालों की तरह, अरे ठेले वाले पटरी वाले गौ माता का लीजिए, हमारा चल रहा है आंदोलन। अच्छा, जिसमें हमने लिखा है बाकायदा कि छुट्टा पशुओं से हमको निजात दिलाई जाए, और हमने आप इस तरह बचाने की बात कर रहे हैं, यह आधार हमने दिया है कि इससे बहुत बड़ी समस्या है कि ऐसी सर्दियों में किसान रात रात भर जाग करके अपनी फसलों को बचा रहे हैं, और सरकार कह रही कि हमने गौशाले बनवाए हैं, ठीक है किसने, आप इनको रखे गांव की बात कर रहे हैं भाई, वो किसने बनवाया है पंचायत घर में, कहां बनाया है, क्या हो रहा है, जरा ये भी तो बताया जाए। केसी भाई जवाब दीजिए, किसान को गांव की बात कर, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, लखनऊ की सड़कों की बात कर रहा हूँ, जब छुट्टे जानवर सबका अपना अपना मूल्यांकन, सबकी अपनी बात है। गौरव जी, जी 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 गौरव जी, निवेदन ये है कि मैं पूरा पिछले 25-30 मिनट से चुप बैठा हूँ, इसीलिए कि हमारी बारी पे भी कोई कमेंट ना करे। जी बिल्कुल बोलिए, आपने कहा बीच में मत बोलिए, उसके बाद मैं किसी के बीच में कुछ भी नहीं बोला, धन्यवाद आपका जी, और वो चाहे आम आदमी पार्टी के साथ की हो, चाहे जो है पत्रकार महोदय हो या विवेक जी हो, किसी ने भी टिप्पणी की जी। हम किसी के बीच में नहीं बोले, तो बात को सुने, ठीक है, और जो प्रश्न रखे मैं उसका अगली श्रेणी में फिर जवाब दूंगा। देखिए, अभी एक प्रश्न उठाया कि हमारे एक साथी ने कि जो है अलीगढ़ का ताला कहाँ गया, भदोही के कालीन कहाँ गए, फिरोजाबाद के चूड़ी का कारखाना कहाँ गया। तो देखिए, हमें लगता है कि इनको या तो जानकारी नहीं, या फिर सब कुछ जानकारी है, भोले बन रहे हैं। अच्छा, भोले बन, और इसकी संभावना ज्यादा है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति है, पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है जी। तो ये कह देना कि इनको जानकारी नहीं है, ये बिल्कुल गलत होगा, ये सिर्फ भोले बन रहे हैं। अच्छा, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके पहले का जो इन्वेस्टर्स मीट किया था, उस पे इसी चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया था जी। और जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टर्स को भी उन सारी चीजों को सामने रख करके लुभाने का भी प्रयास किया गया था जी। और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उसमें आया था, अलग अलग क्षेत्रों में जी। जो लोग काम कर रहे हैं उसका अलग अलग इन्वेस्टमेंट आया भी था जी। उसके बाद में सरकार ने एक योजना भी चलाई है जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन एक व्यक्ति ले सकता है, अपनी एक छोटी सी फर्म डाल करके, जो इस तरीके के लघु उद्योगों में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, काम करना चाहता है, और उसमें बड़ी छूट भी है, साथ में सब्सिडी भी है, सब्सिडी के साथ, और गवर्नमेंट ने पूरे प्लान बनाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोडक्ट है बीच में मैं दे सकता था। तकी भाई मुझे मालूम है कि आपका काम सिर्फ डिस्टर्ब करना है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में, लेकिन कम से कम डिस्टर्ब ना करिए, क्योंकि हमने हम डिस्टर्ब करेंगे ना, आप सवाल पूछने को आगरा में टेनिस कम होती जा रही है, बिजली लगातार नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने ठगा है, जहाँ से आपको सारी सीटें मिली, जहाँ से आपके सरकार में आए, जहाँ इतने बड़े पैमाने में आपको बहुत सपोर्ट मिला, उस प्रदेश को आपने राजनीति के लिए बुलाया है, सिर्फ बेवकूफ बनाया है, जिस लखनऊ से रास्ता निकला है बीजेपी का, दो बार प्रधानमंत्री भाई
बनारस में बनारस में जो बनारस से निकला और छपरा वजह करो क्या ये बहुत बड़ा क्रूज चलाने के लिए क्रूज था क्या हुआ दो बोतल चढ़ा के इतना पानी था आपने लोगों को हमेशा ढका है वोट के नाम पे 80 सीटें पाने के नाम पे सरकार बनाने के नाम पे और जनता को आपने कुछ दिया नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश के लोग बॉम्बे महाराष्ट्र में टैक्सी चला रहे हैं वहाँ ठेले लगा रहे हैं वो नई का काम कर रहे हैं उनको अपने गांव गांव के गांव खाली हो गए वहाँ मर रही है औरतें खाली हो रही परिवार रह रहे वहाँ उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आपने परिहार उठाया उत्तर प्रदेश के लोगों में कोरोना के दौरान जो मजदूर आए थे जो गुजरात से मजदूर भगाए गए थे जो महाराष्ट्र से मजदूर भगाए गए थे जो हरियाणा से मजदूर भगाए गए थे वो मजदूर कहाँ गए सारे उन मजदूरों का किसका इस्तेमाल किया आपने किसी का इस्तेमाल नहीं कर पाए आप आपने इतनी इन्वेस्टमेंट सबमिट करी कौन सी मिट्टी लगा दी आपने बताइए कहाँ लोग खप गए कहाँ लोगों को मजदूरी मिल गई चावल आज के लोग चावल बेच के अपना पेट पाल ले सुन लीजिए गौरव जी देखिए देश की बात हो रही है आज एक बड़ा विषय है और बड़ा विषय लेकर के आप आए हैं चैनल पे और ये नशेड़ी लोग सिर्फ नशा की बात कर रहे हैं अभी प्री विवेक जी ने एक सवाल किया कि आपने पूर्वांचल को छोड़ दिया पूर्वांचल की पीड़ा उनकी उभर करके आई हम आपको बता दें 70,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल और केवल पूर्वांचल के लिए पिछले सत्र में आया जिनमें से मैं बता रहा हूँ जिनमें केवल हल्ला बचाने से नहीं होगा हल्ला बचाने से आप आवाज दबाने से लोगों की जानकारी नहीं खत्म कर लेंगे शराबियों की पार्टी है तो आप नशा करके चले आते हैं नशा करके नहीं बैठे जनता सब कुछ देख रहे समझ रही है सुनिए देखिए गौरव जी ऐसे जिम्मेदारी है डिबेट को कंट्रोल रखना आपकी जिम्मेदारी है प्लीज, आपने प्लीज, हमसे कहा मैं चुप हो गया ऐसे नहीं चलेगा बोलिए किसी भाई बोलिए देखिए 23,000 करोड़ रुपए जी जो ग्रीन अमोनिया प्लांट है उसके लिए 23,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल और केवल उसके लिए आया है अलग अलग अमोनिया प्लांट और भी वहां पर गोरखपुर में लगे हैं साथ ही साथ टेक्सटाइल्स के लिए भी वहां पे इन्वेस्टमेंट आया है ऊर्जा के लिए भी वहां पे इन्वेस्टमेंट आया है और भी तमाम सारे इन्वेस्टमेंट आया है 70,000 करोड़ रुपए का सिर्फ ये लास्ट सत्र का हम बता रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट गोरखपुर के विकास के लिए वहां पर आया है और रही बात ये कि देखिए जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के टेक्सटाइल्स को लेकर के आईटी सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हेल्थ केयर के सेक्टर में मेडिकल फार्मासिस्ट के सेक्टर में और इसी तरीके से बुंदेलखंड के विकास के लिए और पश्चिम के विकास के लिए देखिए सबसे और पूर्वांचल की जहां तक इन्होंने बात की इस बार भी पूर्वांचल पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और पूर्वांचल में जो प्लांट्स लग रहे हैं जो चीजें इन सब सेक्टर्स में आ रहे हैं टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो सेक्टर्स में आ रहे हैं इसमें 29% का जो इन्वेस्टमेंट है 22 लाख करोड़ रुपए का जो 22 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उनमें से 29% सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल में ये सारे उद्योग वहां पर लगेंगे और बुंदेलखंड के लिए 13% है और जबकि पश्चिम के लिए जो है 45% इन्वेस्टमेंट जो है वो पश्चिम के क्षेत्र में आ रहा है। अब हम आपको बता दें कि जो जहां तक बात हो रही है सिर्फ पेपरों में बात हो रही है हम आपको जो बता रहे हैं 70,000 करोड़ रुपए का पूर्वांचल के लिए आया है ये आ चुका है ये ओएमयू नहीं साइन है ओएमयू तो वहां पर ओएमयू जो साइन हुए थे वो करीब जो है 1,20,000 करोड़ रुपए के लिए हुए थे लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पर आ चुका है जो वहां पे प्लांट्स लग चुके हैं जो काम कर रहे हैं 72,000 करोड़ रुपए का वहां पर तो ये कह देना कि सब कुछ हवा में है आप देखिए आईटी सेक्टर में और मोबाइल के क्षेत्र में आज हम तीसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में तीसरे नंबर पर भारत देश है मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जहां बना रहे हैं मोबाइल साथ ही साथ हमारे चाहे लड़ाकू विमानों के पार्ट्स हो आप चाहे देखिए कि युद्ध क्षेत्र के जो तमाम सारे हथियार हैं उनके पार्ट्स हो हथियार हो आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसमें ये जरूर है कि एफडीआई आया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है विदेशी निवेश भी है लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत देश अगर भारत देश किसी चीज का निर्माण कर रहा है साथ में सब चीजों का सप्लाई कर रहा है आप जो है फार्मा के क्षेत्र में देखिए कि हमने वैक्सीन बनाई 150 देशों को वैक्सीन की सप्लाई इसी वैक्सीन पे कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया था इतनी जल्दी वैक्सीन कैसे बन गई इतनी जल्दी वैक्सीन बनी नहीं सकती है
इसके ट्रायल में 3 साल लगते हैं, तो क्या 3 साल तक सबको मरने के लिए छोड़ दिया जाता? और एक चीज है कि पहले की पद्धतियों में आज की पद्धतियों में कितना बड़ा चेंज आया, ये कांग्रेस भी जानती है, सारी की नहीं जानती, कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और भारत देश के साथ साथ तमाम सारे अन्य देशों की वैक्सीन आई, उन्होंने तेल की वैक्सीन कैसे बना ली उस पर सवाल नहीं हुआ, लेकिन भारत देश की वैक्सीन पे कांग्रेस ने सवाल किया और कहा पहले वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री कराए, पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता कराए, बाद में कोई कराए। अरे फार्मा के क्षेत्र में हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के डॉक्टर्स अगर काम कर रहे हैं और उस पे अगर वैक्सीन बना के तैयार कर रहे हैं, पूरे विश्व में भारत देश का डंका बज रहा है, उस पे भी कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष में, तो विपक्ष केवल और केवल इसलिए वार कर रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के नेतृत्व में ये सारे काम हो रहे हैं। अरे काम तो भारत देश कर रहा है, नाम तो भारत देश का हो रहा है, और ये हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगा जो काम हम आज किए हैं। क्योंकि ये जो त्रासदी आई है, जो जिस प्रकार की त्रासदी कोरोना जैसी आई है, ये 200-400 सालों में इस तरीके की त्रासदी आती है और भारत ने इस बार कर दिखाया। इसके पहले प्लेग जैसी बीमारियां आई, तब भारत नहीं कर पाया, बाहर के देशों पे डिपेंडेंट थे, लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आज हमको अपने साइंटिस्टों को धन्यवाद देना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तो नाम तो भारत देश का हो रहा है, आप कहीं बाहर जाएंगे तो आपके नाम से, आपकी पार्टी से आपकी पहचान नहीं होती, केवल पहचान होती है कि ये भारतीय है। क्यों ये पहचान होती है कि ये भारतीय है? हमारी पहचान इससे होती है कि हम भारतीय जब किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, और जब कोई फॉरेनर आता है तो उसकी भी पहचान ये होती है कि अमेरिका से आया है, स्विट्जरलैंड से आया है, जर्मनी से आया है, कहां से आया है। तो उस देश के ऊपर, उस कंट्री का जो है वो उसका गर्व होता है। तो आज हमें गर्वान्वित होना चाहिए कि भारत देश इस प्रकार से विकसित कर रहा है, और भारत देश पर तमाम सारे वैश्विक देशों की नजर है कि हम अगर वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा भी डेवलपमेंट होगा, और उनके अपने डेवलपमेंट के साथ साथ भारत देश डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी पूंजी आ रही है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को काम मिला है। देखिए फैक्ट्रियां लगेंगी तो अगर अमेरिका कोई फैक्ट्री लगाएगी तो ऐसा नहीं कि अमेरिकन यहाँ पर काम करने के लिए आएंगे, हो सकता है उसका मैनेजर वहां पर हो, लेकिन जो कर्मचारी से लेकर के यहाँ के और जितने सब मैनेजर से लेकर के और मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए लोगों से लेकर के, और कच्चा माल कहाँ से लेंगे? कच्चा माल तो हम ही से यहीं लेंगे ना, तो यहाँ के लोग रोजगार नहीं मिला, किसको रोजगार मिलेगा? क्या बात करते हैं आप? विवेक पांडे बोलना चाह रहे हैं, कुल मिला के हर चीज पे सवाल खड़ा करना, कम से कम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक अच्छा एक बड़ा काम हो रहा है, इसकी सराहना करनी चाहिए। आलोचना की दृष्टि से विपक्ष को काम नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात रख लूं। जी बोलिए। पूरे डिबेट में मैं इनको सुनता रहा, अब मैं अपनी बात रख लूं तर्कों के साथ, आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ। बोलिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि केसी जैन जी का संयम काम देगा, जो उम्मीद कर रहे थे। जैसे मैं चुप था, आज मैं सुनता रहा, ये भी संयम वाले आदमी है। पहली सरकार ने, सुन लीजिए, योगी सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया था, तो सबसे पहले उन्होंने गोरखपुर बनारस में मेट्रो रेल के लिए 100 करोड़ रुपए की परियोजना के स्थापन के लिए बजट प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, और वो योजना जो थी इनकी, जो ये बजट प्रस्तुत कर रहे थे, जहां वो ये मेट्रो गोरखपुर और बनारस की बात कर रहे थे, वो योजना लटक गई और उस पे रोपवे की प्लानिंग करने लगे, वो रोपवे भी शुरू ना हो पाया। अच्छा। तो वो 100 करोड़ रुपए कहां गए? इस तरह जो कागजी बजट होता है, उदाहरण मात्र है, अभी मैं और लेके आ रहा हूं, ये उदाहरण मात्र है केवल गौरव भाई की 100 करोड़ रुपए दिए गए थे मेट्रो की परियोजना के लिए गोरखपुर और बनारस के लिए, लेकिन वो बजट, वो 100 करोड़ तो बट गए, लेकिन वो बजट पैसा गया कहां ये नहीं पता। और अच्छा, ना मेट्रो शुरू हुई। अच्छा, अधिकारियों ने कहा कोई योजना नहीं है, और दूसरी बात रोपवे की योजना लाए थे। देखिए 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 गौरव जी, जगह पे वो भी आज तक अपन प्रोजेक्ट को लेकर के बैठे हैं, सुनते रहिए, मैं आपको सुन रहा था। प्रोजेक्ट को लेकर के नहीं बैठा हूं, और हमारे प्रदेश के इतने मंत्री होते हैं, प्रदेश के मंत्री भी सारे जवाब नहीं दे सकते। जो हर एक प्रोजेक्ट का जवाब देता है, जो जिस विभाग का मंत्री होता है उस विभाग का जवाब देता है। आज विषय आपका है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और ये कह रहे हैं गोरखपुर की मेट्रो को लेकर बैठे हैं। गोरखपुर का एक्सप्रेस वे भी तो बना, एक्सप्रेस वे भी तो बना, ये सरकार देश में आई है। वो किस प्रोजेक्ट में था? नोटबंदी और बोल रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने बनाया, तो पूर्वांचल के लिए काम नहीं हुआ क्या? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस अगर इन्होंने बनाया तो मुझे लगता है ये आपके खबरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं गौरव भाई। आपको ज्यादा पता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की नींव
और उससे भी ज्यादा जमीन की एक्विजिशन किसने करके दी थी, अलाइनमेंट किसने की थी, और उस पर केवल वसूल रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, पहले जो ये संभालना चाहते हैं, उच्च स्तर पे थी 7 से 8%, जो 19-20 की चौथी तिमाही आते आते सबसे दशक के सबसे कम स्तर 3.1% पे आ गई। अच्छा, 16 से अधिक नगद को चलन से बाहर किया, और सबसे बड़ी बात जीएसटी लागू करके व्यापारियों को सबसे तगड़ी मार पहुंचाई। सेंटर फॉर मॉनिटरी इकोनॉमी सीएमआई के सीईओ की तरह की 11-12 में भारत की सबसे बड़ी चुनौती निवेश में बदली गई। सत्ता बदलने के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक झटके 16 के बाद 17-18 में बेरोजगारी 45 साल में सबसे अधिक 1.6%। भाई कैसे सुन लीजिए, कैसे क्या बोल रहे, नहीं चालू कराया आपने कारखाना? अच्छा, हाथ का कारखाना आपने नहीं चालू कराया? हाँ। बच्चे बढ़ते रहे इस वैरायटी से, बच्चे बढ़ते रहे। जी सुन लीजिए, आपने क्या किया उसका कोई काम नहीं किया आपने। 2021 की शुरुआत से अब तक 2.5 करोड़ हर साल की देश विदेश की अर्थव्यवस्था को 2 करोड़ नौकरी चाहिए, लेकिन आपकी सरकार जब चाहिए केवल 43 लाख नौकरियां दे पाया। अच्छा। आप बात करते हैं समिट कराने की। हाँ। आप बात करते हैं उद्योग स्थापित करने की, कागजी विकास जो है ये अपने झोले में डालकर चलते बनिए। आने वाले चुनाव में 24 में आपकी सरकार मोदी जी को समाजवादी झोला पांडे भाई बोलिएगा, झोला उठा के चल देंगे अडानी के साथ। अच्छा, अडानी का पासपोर्ट जब करके दिखाइए, समिट में अडानी को कैसे प्रस्तुत करेंगे ये तो बता दीजिए। इस देश का बताइए इस देश में जो ये समिट यूपी में कराने जा रहे हैं उसमें अडानी को भी निमंत्रण है, बताइए उनको क्या बता के प्रस्तुत करेगी भाजपा? इस देश का व्यापारी वर्ग, इस देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, या इस देश का सबसे बड़ा फ्रॉड, बताइए मुझे क्या बताएंगे आप उनको? ये कौन सी बात हुई भाई विवेक जी, शेयर ये कौन सी बात, इसलिए इतना सामने आ गया और सत्ता उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। शेयर का पैसा गांव में लगा है, एलआईसी जैसी संस्था को बोले की लाभ पे चल रहा है, और आप इसलिए जो इन्वेस्टर्स है आज भी फायदे में है, आज भी इन्वेस्टर्स फायदे में, इतना घाटा होने के बाद क्या कहलाता है किसी भाई, इन्वेस्टर्स फायदे में क्या कहलाता है? और ये एलआईसी इतना मौन क्यों, अडानी के मुख्यालय में आवाज नहीं मिल रही है, और उद्योग कारोबारी ईडी और सीबीआई लगा करके बड़ा कूद रहे थे, आज अडानी के मुद्दे पे मौन बंदरों की तरह छलांग नहीं मारेंगे क्या जी? समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए अपने ही पसंदीदा कारोबारी के ऊपर छापे मरवा के आपकी हालत के लिए है, ना सोना मिला ना चोखा मिला, पार्टी भी सुखी मिली। ठीक है, ठीक है, समय कम है, आखिरी तीन मिनट बचे, ठीक है, समय कम है। तकी भाई कुछ बोल रहे थे आप, तकी भाई जल्दी, कह रहा था कि भाई हमारे जो योगी जी हैं वो भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, फिर आप एक बार लेके चले आए की बात हो रही है कि कोई ये कौन सी बात होती है भाई, मिले तो जैसे उन्हें मोदी ने आप चाहते हैं क्या प्रधानमंत्री बन जाए, गांधी हुआ तो कुछ ऐसा भी नहीं है, नशा करके बैठते हैं हमारी मिले उनको भी जो ऐसा आम आदमी पार्टी वाले नशा करके बैठते हैं। लेकिन अडानी ने जो 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाया, लाखों करोड़ का, सरकार की हिम्मत है कैसे बोला, नशा करके बैठे क्या, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं थी अदानी का नाम भाई। अब केसी भाई को आगे पार्टी के लोगों को ऐसे नहीं पापा तक की कैसी जान बोल रहा है कि आप नशा करके बैठे हैं क्या? अरे हम तो लोकतंत्र का नशा किए हैं, पूरी आम आदमी पार्टी बात कर रहा हूं, मैं तकी भाई की बात नहीं कर रहा हूं, देशवासियों का नशा किए हैं, गौरव जी गौरव जी हम तकी भाई की बात नहीं कर रहे, केसी भाई जो महान पूरी पार्टी का नशा नहीं किया, अच्छा हमने चिलम का नशा नहीं किया, तकी भाई का नशा नहीं किया, व्यक्तिगत बात कोई नहीं करता हूं, नशा किया है। अरे क्या देश प्रेम को नशा भी किया था, वो नशा शेख आजाद ने किया था, वो नशा होना चाहिए, वो हमारे होना चाहिए देश के लिए, वो नशा देश प्रेम का नशा होना चाहिए, लड़ने वाले नहीं हम, लड़ने वाले पार्टी है आम आदमी पार्टी, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलती रहेगी, इनके भ्रष्टाचारों को उजागर करती रहेगी, अपने सामने रखती रहेगी, और नरेंद्र मोदी जी का असली चेहरा सामने ला कर रखेंगे, ऐसे शर्मा मजदूरों को उनकी धर्मपत्नी का नाम पूछ लिया, क्या रिश्ता क्या कहलाता है, योजना आपकी बहुत अच्छी है,
बोलेंगे बोलिए बोलिए। देखिए भाई गौरव जी, जी जल्दी बोलिए 30 सेकंड। हमारे देश का इतिहास रहा है जी कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम प्रदेश के और देश के विकास में सरकार के साथ हैं जी, पूरा सहयोग करने को तैयार हैं जी, लेकिन सरकार को विपक्ष को जवाब देना चाहिए। अच्छा, कि जब 8.21 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिक हैं, अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह दूसरा चक्र है, तब यह प्रश्न उठता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है हो गया। तो फिर हम प्रश्न उठाते हैं और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। वेग जी, आप थोड़ी धड़कने कम हो गए। केसी जी ने कह दिया कि उत्तराखंड 30 सेकंड, बस 30 सेकंड जल्दी बोलिए। केसी जैन जी ने कह दिया कि पूर्वांचल ने पैसा मिल गया है। अच्छा, दूसरी बात गौरव जी कि अभी मुद्दा उठाया था हमारे राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ने किसानों का, मैं 1 सेकंड आपसे और लूंगा कि किसानों की दुर्दशा कब से शुरू हुई। हाँ। जब से उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग में पुलिस सेल खत्म की गई। अच्छा। अधिकारी अनियंत्रित हो गए। अच्छा। और ये बहन मायावती जी ने खत्म किया था। अच्छा। 1200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कृषि विभाग में। ठीक। उसके बाद करीब 25 लोग जेल गए, डायरेक्टर से लेकर नीचे तक। अच्छा। मायावती जी ने क्या किया, पुलिस सेल ही खत्म कर दी कि अब लूटो खाओ जाके, इसीलिए किसान दुर्दशा शिकार हो रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं किसानों के लिए तो उन्हें पुलिस सेल गठित करना चाहिए और फिर किसानों को न्याय मिले। सरकार बोलने को तैयार ही नहीं है। आप सभी मेहमानों इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह हमने देखा चर्चा हुई इन्वेस्टर समिट पर, वो इन्वेस्टर समिट जो यहाँ पर इतिहास बनाने जा रही है, जो कि सरकार दावा कर रही है कि 22 लाख करोड़ का एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा है और उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर हो चुका है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल पहले से ज़्यादा सजग और पहले से ज़्यादा सक्रिय है। अब आने वाले समय में कितना उद्योग धंधे आएंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, वो फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट में केवल निवेश आ जाना बड़ी बात नहीं होती है, उद्योगों रनों को लगाना और लगाने का उनको सुचारू रूप से चलाना ये महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि केवल निवेश को लेके आना ये पहला चरण है, उनको लगाना, फिर उस निवेश को लगाते चले जाना, उस कंपनी का चलते रहना ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आने वाले समय में किस तरह का और निवेश आएगा, किस तरह के तमाम इतिहास और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, वो तो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि सरकार यहाँ पर काम कर रही है और सरकार की जो नीति है वो केवल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसको कम किया जाए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाए। विपक्ष का काम आरोप लगाने का है, अगर अच्छा ही है तो समर्थन कीजिए और अगर वास्तव में खराबी है तो उसका विरोध करिए। यही लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र की परंपरा का निर्वाह करते रहिए, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर निर्वाह करना जरूरी है अपने आधारों का, अपने कर्तव्यों का और अपने धर्म का, चाहे वो राष्ट्र धर्म हो और चाहे राजनीति का धर्म हो। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।